सो है गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, अपने घर पर होंगे। वैसे तो आप सभी टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे आज तुम्हारा भाई तुम्हारे आगे क्या लेके आ चुका है। आज तुम्हारा भाई लेके आ गया है तुम्हारे लिए GLA। तो गाइस, ये मर्सिडीज बेंज वालों की GLA। सो भाई, मर्सिडीज की GLA है ये, जिसकी लुक वाइज अगर देखें हम बात करें तो लुक वाइज इसकी भाई फ्रंट से आप सभी लुक देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड हमें इसमें एक छोटा सा लोगो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है मर्सिडीज़ का, एंड एक बड़ा सा लोगो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ साथ में हमें यहाँ पे इसकी जाली के साथ साथ एक थोड़ी सी जो है सिल्वर कलर की प्लेट लगी हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड यहाँ पर हमें जैसे पीछे साइलेंसर में होता है इसके, ऐसे यहाँ पर हमें आगे में देखने के लिए मिल जाता है ये चीज़। एंड इसकी हेडलाइट्स वगैरह आप सभी चेक ही सकते हो भाई। शेप देखो भाई इसकी कितनी भयंकर दे रखी है, और फ्रंट से आपको दिखाऊं तो भाई आगे से देख सकते हो भाई ऐसे लग रही है जैसे कोई आँख है, देखो अभी आप सभी। एंड दिस इज की, ये रही इसकी चाबी भाई, जिसमें हमें देखने के लिए मिल जाता है लॉक एंड अनलॉक, सिर्फ इसमें दो ही चीज़ दे रखी है। और ये देख सकते हो भाई कितनी प्यारी लग रही है भाई देखने में, भाई आगे से जब लाइट्स जल रही है इसकी तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। एंड यहाँ पे इसके टायर्स वायर्स सब चीज़ भाई बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर्स है, और अलॉय भी बिल्कुल भाई एकदम नए इसके आप सभी देख सकते हो भाई कितने प्यारे लग रहे हैं अलॉय व्हील्स भी। एंड यहाँ पे इसके साइड वाले मिरर में भी हमें लाइट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाती है भाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है देखने में। एंड यहाँ पे इसके मिरर में देख सकते हो आप सभी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ये इसका जो है हैंडल भाई, हैंडल यहाँ से ऐसे पकड़ के भाई आराम से खुल जाता है भाई, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड अभी चलते हैं इसके हम पीछे, पीछे से अगर आप सभी को इसका लुक दिखाऊं तो भाई देख सकते हो भाई कितनी प्यारी लग रही है GLA 200D। एंड अभी इसका करते हैं बूट्स ओपन। तो भाई बूट्स जो है ना इसका ऑटोमेटिक नहीं है भाई, वैसे हाथ से ही आप सभी को खोलना पड़ेगा। इसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने के लिए मिल जाती है, एंड इसी के साथ साथ हमें एक मिलने के लिए इसमें दिख जाती है स्टेपनी, जो कि भाई इसकी डिग्गी में ही पैक है बिल्कुल। तो वो भी कर देते हैं इसका बूट्स को बंद। एंड भाई हमें पीछे में भी एक मर्सिडीज़ का लोगो देखने के लिए मिल जाता है, जो कि भाई काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पे इसकी साइड वाली लाइट्स देख सकते हो आप सभी, और भाई ये डीजल गाड़ी है मर्सिडीज़, यहाँ पे देख सकते हो आप सभी, यहाँ पे इसका डीजल जो है चलता है। यहाँ साइड से एक बार आप सभी को चेक करा देता हूँ भाई, भाई कितनी प्यारी लग रही है फ्रंट से भी और सामने से भी। देन अभी चलते हैं हम अंदर, और अंदर से जैसे हम इसको ओपन करते हैं गेट को, हमें देखने के लिए मिल जाता है भाई एक तो ये सीट्स अब इलेक्ट्रिक है भाई ये, अगर यहाँ से इसको आप आगे करते हो तो ये सीट जो है मूव करती है, ये देख सकते हो आप सभी सीट्स जो है भाई मूव कर रही है। एंड यहाँ पे मिल जाता है हमें लॉक एंड अनलॉक, यहाँ पे गेट ओपन का, एंड यहाँ पे अपने नॉर्मल सा जो है मिरर, एंड यहाँ पे साइड वाला मिरर देखने के लिए मिल जाता है हमें, जो कि वो बाहर लगा हुआ है। यहाँ से हम इसकी जो है सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। एंड भाई गाड़ी के अगर अंदर आने के बाद बात करें तो भाई गाड़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है गाड़ी, ऊपर में भी थोड़ा सा टच वच कुछ नहीं हो रहा। सनरूफ आप इसका चेक कर सकते हो भाई, सनरूफ भी इसमें हमें काफ़ी बड़ा देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। और भाई इस गाड़ी के अगर मैं आप सभी को बात बता दूँ तो ये 2019 मॉडल फर्स्ट ओनर, जो कि 98 किलोमीटर से गाड़ी जो है चली हुई है। यहाँ पे आप सभी इसका मीटर चेक कर सकते हो भाई, 98 किलोमीटर जो है ये चली हुई है। और अगर आप सभी को ये गाड़ी चाहिए तो अभी ये अवेलेबल है देहरादून ऑटो नेशन मानव केंद्र के जस्ट अपोजिट साइड में, ये जो है ऑटो नेशन है, आप सभी यहाँ पे आकर इसकी गाड़ी की जो है डील वगैरह कर सकते हो। एंड हमें इसमें मिल जाता है भाई स्टेयरिंग में हमें कॉल वॉइस का मिल जाता है इधर, एंड इधर अपना जो है मीटर की सेटिंग मिल जाती है, यहाँ से आप अपने मीटर की सेटिंग कर सकते हो भाई। म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे अपना एक एक नॉर्मल सा जो है म्यूजिक सिस्टम दिया जाता है भाई यहाँ पे। एंड हमें एक स्पेस यहाँ पे दी जाती है कप वगैरह कुछ अपना सामान वगैरह रखने के लिए, और एक स्पेस हमें यहाँ पे दी जाती है भाई। यहाँ पे हम 12 वोल्ट का जो है चार्ज भी लगा सकते हैं, अपना मोबाइल वगैरह चार्जिंग करना, जैसे हवा भरने के लिए पंप लगा सकते हैं हम यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी बात है जो कि भाई। एंड यहाँ पे एक स्पेस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, ये देख सकते हो आप सभी, इसमें हमने ये जो रख रखा है भाई ये, इससे जो है गाड़ी में खुशबू रहती है, तो अभी इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। एंड यहाँ पे एक स्पेस आप सभी देख सकते हो भाई, यहाँ पे आप अपनी डाटा केबल्स लगा सकते हो भाई मोबाइल की, देख सकते हो यहाँ पे आप अपनी इजीली डाटा केबल लगा के जो है मोबाइल को अपने चार्ज कर सकते हो भाई। अंदर से अगर अंदर से इसकी गाड़ी की कंडीशन की बात करें तो भाई
बेस्ट है एकदम गाड़ी, कंडीशन एकदम इसकी ओके, अंदर से बैठने के बाद भी भाई काफ़ी कंफर्टेबल जो है इसके अंदर गाड़ी के अंदर महसूस दे रहा है। एंड हमें एक यहाँ पे स्पेस मिल जाती है सामान वगैरह रखने के लिए, इसमें भी तो डायरी वगैरह पड़ी हुई है मर्सिडीज़ की, तो भाई काफ़ी अच्छी बात है। आप इस वाली सीट्स को जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, या और एक हमें यहाँ पे दे रखा है सीट्स एडजस्ट करने का भाई, ये सेकंड वाली जो सीट है यहाँ पे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। बाकी पीछे में तो नहीं दे रखा है भाई इसमें सीट एडजस्ट का। और ये रही इसकी की, एक बार इसको स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट करके देखते हैं। तो स्टार्ट वाला इंजन का बटन यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है भाई। ऑटोमेटिक गाड़ी है मर्सिडीज़ की, तो भाई मर्सिडीज़ की ऑटोमेटिक गाड़ी है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो उसके गियर वेयर, पार्किंग, न्यूट्रल, रिवर्स एंड ड्राइविंग मोड यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। एंड उसी के साथ में हमें साइड में देखने के लिए मिल जाते हैं आगे जो गाड़ी के वाइपर होते हैं जो बारिश में चलते हैं भाई, वो हमें वाइपर जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छी बात है भाई, गाड़ी भी एकदम ओपी नेक्स्ट लेवल पे है भाई। 2019 मॉडल और 98 किलोमीटर चली हुई सिर्फ भाई, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। एक बार मैं इसको स्टार्ट करके देख लेता हूँ, इसका स्टेयरिंग वगैरह घुमा के देख लेता हूँ कितना स्मूथ है कितना नहीं, तो अभी मैं इस गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। देन ये मैंने स्टार्ट वाले ऑप्शन पे दबाया, तो भाई गाड़ी हो चुकी है भाई स्टार्ट। भाई थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं है, एसी हो गई है इसकी ऑन, तुरंत गाड़ी स्टार्ट करती है भाई एसी हो गई है ऑन, और काफ़ी अच्छी गाड़ी है देखने में। तो भाई गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भाई थोड़ी सी भी आवाज़ जो है नहीं कर रही है गाड़ी। एंड यहाँ पे हमें एसी तो मिल जाती है, एसी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा कूल है भाई एकदम। और भाई अगर इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड यहाँ पे मीटर में दे रखी है 260, मतलब 260 दिखा रखी है, जो कि भाई काफ़ी अच्छी है। और भाई टो की स्पीड तो भाई झट से पकड़ जाती है, लग्जरी कार तो भाई आप सभी को पता ही है 100 की स्पीड तो भाई पता नहीं एकदम से, रेस वेल का साथ आप रेस करोगे तो एकदम से 100 की स्पीड पकड़ लेगी। एंड यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखने के लिए मिल जाती है, फ़ैन जो कि एसी के फ़ैन है, अगर हम यहाँ से इसके आप जो अपने फ़ैन की स्पीड बढ़ा सकते हो जो कि 8 तक के दे रखी है, 6 नंबर तक के दे रखी है, 6 तक के आप जो है इनकी स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो, देख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी हवा जो है एसी के जो पंखे हैं उसकी हवा जो है तेज आएगी, क्योंकि भाई काफ़ी अच्छी है। और भाई अगर स्टेयरिंग की बात करें, भाई मैं आपको बोल रहा था कि स्टेयरिंग वगैरह मुझे इनका स्मूथ नहीं लगता, बट भाई मर्सिडीज़ का तो भाई जलवा है यार, भयंकर ख़तरनाक गाड़ी है भाई, स्मूथ देख सकते हो, स्मूथनेस स्टेयरिंग की स्मूथनेस इतनी गजब की भयंकर, मुझे तो भाई एक नंबर की लगी इसकी स्टेयरिंग स्मूथनेस। बाकी आप सभी एक बार कमेंट में बताना, गाड़ी की कंडीशन चेक कर सकते हो यहाँ पे भाई, बहुत ही अच्छी गाड़ी है। एंड यहाँ पे मैं सनरूफ के ऑप्शन दिखा देते हैं, यहाँ पे सनरूफ के बटन मिल जाते हैं हमें खोलने बंद करने वाला, यहाँ पे देख सकते हो आप सभी भाई सनरूफ जो है ऑप्शन हो चुका है। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे प्रेस करके रखता हूँ तो भाई इसका पूरा सनरूफ जो है खुल जाता है, यहाँ पे देख सकते हो आप सभी भाई पूरा सनरूफ जो है ओपन हो चुका है भाई, यहाँ पीछे में आप सभी को दिख रहा होगा ऊपर में भाई पूरा सनरूफ जो है ओपन हो चुका है इसका भाई। काफ़ी अच्छी गाड़ी है, कंडीशन की भी आप सभी को मैंने आप सभी को दिखा दी, कंडीशन भी ऑल गुड है एकदम, और गाड़ी चलने में भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है एकदम, इंजन इसका बिल्कुल नया है भाई। पीछे में आप सभी सनरूफ चेक कर सकते हो भाई, अभी कर देता हूँ इसको मैं बंद। ये मर्सिडीज बेंच GLA 200D भाई, काफ़ी अच्छी गाड़ी है यार। एक बार मैं आप सभी को इसका जो है बोनट चेक करा देता हूँ, ओपन करके गाड़ी को कर देता हूँ मैं ऑफ, तो भाई ये गाड़ी हो चुकी है बंद। एंड अभी खोलते हैं इसका, हम अभी इसका खोल लेते हैं भाई, बहुत ज़्यादा हाल है। तो भाई अभी इसका हमने खोल लिया है बोनट, अभी दिखाते हैं आप सभी को बोनट एक बार। तो भाई यहाँ पे आप सभी इसका जो है बोनट चेक कर सकते हो भाई, बिल्कुल नया पड़ा है भाई, बिल्कुल एकदम नया। वो थोड़ा सा बारिश हुई है उसकी वजह से जो है भाई थोड़ी सी मिट्टी वगैरह लग गई है। एंड यहाँ पे सब चीज़ भाई थोड़ी सी भी वायर वायरिंग कुछ नहीं हो रखी है भाई, बोनट एकदम हमें इसमें नया देखने के लिए मिल जाता है, तो भाई काफ़ी अच्छी बात है। बोनट कर दिया अभी हमने बंद। एंड सामने से भाई इसकी लुक मुझे एक नंबर लग रही है भाई, चारों इंडिकेटर जला के कितनी भयंकर लगेगी, अब आप सभी को मैं दिखाता हूँ चारों इंडिकेटर इसके जला के। एंड भाई अभी आप चेक कर सकते हो भाई, लुक द चेक भाई, कितना भयंकर लुक लग रहा है भाई इस गाड़ी का, मुझे तो भाई काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है देखने में भाई। बाकी आप लोग मुझे एक बार कमेंट में बताना भाई कितनी भयंकर गाड़ी लग रही है। तो भाई आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और भाई भाई अगर वीडियो में थोड़ी सी भी कोई दिक्कत परेशानी एडिटिंग वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो बाकी आप सभी एक बार मुझे कमेंट में बता देना। एंड मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।